तो यार दोस्तों, हमारे चैनल के जो भाई लोग हैं वो काफ़ी समय से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि यार जो पेट्रोल है उसको फ्रिज के अंदर जमा कर दिखाओ। तो आज हमने ले लिया है पेट्रोल और इस ग्लास के अंदर हम उसको भर देंगे और फ्रिज में जो बर्फ़ जमाने वाली जगह होती है ना, उसके अंदर इस पेट्रोल के भरे हुए ग्लास को रख देंगे और देखते हैं कि यार पानी की तरह ही पेट्रोल जम पाता है या नहीं, फ्रिज हो पाता है या नहीं। पानी हम जब रखते हैं फ्रीज़र के अंदर तो कुछ 10 या 12 घंटे के बाद वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है, लेकिन पेट्रोल क्या जम पाएगा या नहीं, आपका आइडिया था। हम ये ट्राई कर रहे हैं और आज इसका पता लगाने वाले हैं। 24 घंटे तक फ्रीज़र के अंदर हम पेट्रोल रखेंगे, देखते हैं पेट्रोल में क्या बदलाव आता है, क्या वो जमेगा या फिर वैसा ही रहेगा। आप कमेंट करके बता दीजिए और अब हम इसको फ्रिज में रखने की तैयारी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोल है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है और इसको मैं ग्लास में डाल देता हूँ और इतना पेट्रोल हम फ्रीज़र के अंदर रखने वाले हैं। तो नॉर्मल पेट्रोल का टेम्परेचर क्या होता है आज उसी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो पेट्रोल होता है उसका टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आज हम इसको फ्रीज़र में रख के जमाने वाले हैं, बर्फ़ की तरह ट्राई करने वाले हैं कि यार फ्रिज जो है पानी को बर्फ़ बना देता है तो क्या पेट्रोल को बना पाएगा या नहीं। तो अब हम इस पेट्रोल की ग्लास को सीधे ही फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तो दोस्तों, हम फ्रिज के पास पहुंच चुके हैं, नॉर्मल जो घरों में फ्रिज होता है उसके पास पहुंच चुके हैं और अब हम यहां पे एक पानी से भरा ग्लास और एक पेट्रोल से भरा ग्लास इस फ्रिज के अंदर रखने वाले हैं। तो मैं दरवाजा ओपन कर देता हूँ और ऊपर की साइड जो फ्रीजर होता है जहाँ पे बर्फ जमाने की जगह होती है वहां पर मैं इसको रख देता हूँ। तो यार आप कमेंट करके बताइए क्या पेट्रोल जम जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो अब मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों, अगला दिन यानी 24 घंटे हो चुके हैं और उसी फ्रिज के पास मैं आ चुका हूं और देखने वाले हैं कि क्या यार पेट्रोल बर्फ की तरह जमा है या नहीं। तो मेरे पास आइए, मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पे ओपन करते ही काफ़ी ठंडा है फ्रिज अंदर से। और सबसे पहले मैं आपको जो पानी था उसको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एकदम जम चुका है और पूरा बर्फ बन चुका है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि उस पेट्रोल का क्या हुआ है। हमें तो पता है, आपके लिए कमेंट बॉक्स नीचे इंतज़ार कर रहा है। आप कमेंट कीजिए इस ग्लास को देखकर कि यार पेट्रोल का क्या हुआ, क्या पेट्रोल इसी तरह जम गया है। कमेंट तुरंत कर दीजिए और अब मैं दिखाने वाला हूँ। आ जा, रुको रुको रुको, कर दिया कमेंट, अरे कर दो यार। तो पेट्रोल को मैं दिखाने वाला हूं और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल नहीं जमा है, ये बिल्कुल वैसा ही है, काफी ठंडा हो गया है लेकिन पेट्रोल जमा नहीं है बर्फ की तरह। ये हमें पहले ही पता था कि पेट्रोल फ्रिज में डालने के बाद जमता नहीं है। टेम्परेचर क्या आया है? 0.3। ये फ्रीजिंग कंडीशन पानी की होती है, यहाँ पर आके पानी जम जाता है लेकिन पेट्रोल नहीं जमता है। ये हमें पहले ही पता था। आपके कई सारे सवाल आए थे कि यार ऐसा वीडियो बनाओ, तो हमने करके ट्राई करके आपको दिखा दिया। पेट्रोल कभी भी फ्रिज में डालने पर नहीं जमता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -60 डिग्री से ऊपर। जब -60 डिग्री के तापमान पर ये पेट्रोल जाएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, लेकिन अभी ये नहीं जमेगा। तो ऐसा था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो शेयर वाला बटन दबाकर कर दीजिए इस वीडियो को शेयर, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन वाली घंटी भी दबा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।